हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल इंडियन यूट्यूबर जस्सी। और ये व्लॉग है संडे का सुबह 11 बजे का। हम लोगों ने ब्रेकफास्ट कर लिया है और यहाँ पे हस्बैंड ने और बच्चों ने किचन पे कब्जा कर लिया है। आज बहुत खुश हो रहे हैं सब लोग, क्योंकि ये लोग बना रहे हैं गुलाब जामुन। और ये मुझे कह रहे थे बनाने के लिए, बट मैंने कहा कि नहीं, मुझे अभी बहुत काम है तो मैं तो नहीं बनाऊंगी। तो ये घुस गए, बोले कि कोई बात नहीं, मैं बना लूँगा। तो मैंने कहा ठीक है, फिर बना। तो ये यहाँ पे छोटे छोटे गोल गोल उसको राउंड शेप दे रहे हैं, और उसे कढ़ाई में तेल भी गर्म हो चुका है उसको फ्राई करने के लिए। और यहाँ देखिए गुलाब जामुन को फ्राई कर, ये एक टूट गया है, पता नहीं कैसे किया था, शायद इसकी शेप अच्छे से नहीं बनाई कि इसको जैसे तेल में डाला तो एक तो टूट गया। तो बाकी धीरे धीरे करके वो कर रहे हैं, लगे हुए हैं, और सारे ऑलमोस्ट सारे निकल गए हैं, अभी फ्राई होकर निकल गए हैं। और दूसरी तरफ हमने बनाई हुई थी चाशनी, और ये देखिए चाशनी में डाल दिए हैं, कितने अच्छे लग रहे हैं। चाशनी में डाल के थोड़ा सा और वो जैसे स्वेल से हो जाते हैं ना, तो वैसे हो गए हैं। तो फिर हम लोगों ने इसको ताकि अच्छी लुक देने के लिए इसे ग्लास के बाउल में डाल दिया है, और उसके ऊपर सारी चाशनी डाल दी है। और मैंने थोड़े से बादाम चॉप किए थे, और मैंने कहा चलो फिर अब बना ही रहे तो फिर अच्छे से बनाते हैं, तो मैंने उसके ऊपर बादाम डाल दिए उसको अच्छी लुक देने के लिए। और ये बहुत अच्छे बने थे, टेस्टी बने थे। और उसके बाद ये देखिए घर का क्या हाल हुआ है, सारे टॉयज़ बेड के ऊपर फेंके हुए हैं। तो बस फिर मैंने इसको देखिए अब क्लीन कर दिया है बस मेरा यही काम है, ये गंद मचाते रहे और मैं साफ़ करती जाऊँ। ये देखिए अब मैंने बेड को क्लीन किया है, और नीचे भी सारे टॉयज़ फैले हुए हैं, और मैंने बस धीरे धीरे करके सब उठा रही हूँ, क्योंकि हमारी डोमेस्टिक हेल्प आ गई थी तो वो करती है झाड़ू पोछा, बट सेटिंग तो खुद ही करनी पड़ती है ना, सब टॉयज़ वोज रख के सब सेटिंग, बेडशीट्स दोबारा बिछाना, और ये सोफे के कवर्स दोबारा बिछाना, ये सब कुछ खुद ही करना पड़ता है। तो वही मैं कर रही थी, मैंने कहा चलो जब तक वो अंदर झाड़ू कर रही है तब तक मैं ये बाहर ड्राइंग रूम के सारे टॉयज़ वॉयज़ रख देती हूँ, नहीं तो वो बेटा है उसका कोई भरोसा नहीं, वापस ला के सब फेंक देता है उसको फैला फैला अच्छा लगता है। तो बस फिर मैं वही कर रही थी, और यहाँ पे होने के बाद फिर मैं अंदर ड्रेसिंग टेबल की भी थोड़ी सी डस्ट आ जाती है, यहाँ पे जयपुर है ना, यहाँ पे आप कितनी भी डस्टिंग कीजिए, सुबह को डस्टिंग करेंगे और शाम को वापस आपको डस्ट मिलेगी। तो ये रोज़ करना ही पड़ता है, थोड़ा बहुत करना पड़ता है। और डीप क्लीन तो महीने बाद कर लो, बट ये हल्का हल्का कपड़ा मार दो ना तो साफ रहता है। और ये मेरे बच्चों का फेवरेट सॉन्ग है बाला बाला, जो उसके पापा गा रहे थे हाउसफुल 4 का। तो ये देखिए मैं बाहर का सीन दिखाऊं आपको, ये हमारे फ्लैट के जस्ट जो बाहर जगह होती है ना, वहाँ पे हम लोगों ने एक्स्ट्रा सब निकाल के रखा हुआ है, जैसे कि जो बच्चों के यूज़ करने वाले होते हैं, चप्पलें वप्लें साइकिल्स टब, ये सब हम लोग टेरेस पे जाते हैं तो यहीं से उठा के ले जाते हैं, वापस आके फिर से यहीं रख देते हैं। और ये दोपहर का खाना बन रहा है, ये वाइट चने बनाने की प्लानिंग है, ये रात को ही मैंने रख दिए थे भिगो के, तो रात को रख दो ना तो फिर थोड़ा जल्दी बन जाते हैं, ज़्यादा सीटी नहीं लगानी पड़ती। और ये चनों में डाल दिया मैंने नमक हल्दी सब डाल के, इसको गैस पे चढ़ा दूँगी, और साथ में बनाएंगे बस रोटियाँ, और चावल तो नहीं बनाएंगे। संडे का दिन ही बहुत बिजी होता है, मतलब पता ही नहीं चलता टाइम कहाँ चला गया। और ये देखिए सारा मैंने वो काट लिया है, प्याज लहसुन अदरक हरी मिर्ची टमाटर, बस इन सबको ग्राइंड कर लूँगी मैं, और ग्राइंड करके तो बस इसको तड़का लगाना है। और वैसे तो मैं ऐसा करती हूँ कि टमाटर को अलग करती हूँ और बाकी चीज़ को अलग करती हूँ, बट आज थोड़ा टाइम कम था तो मैंने सब कुछ उसमें डाला, उसको पेस्ट बनाया और ये देखिए तेल में डाला जीरा और बस तड़का लगा दिया, ये सारा पेस्ट डाल दिया मैंने इसमें। तो बस इसको अच्छे से फ्राई कर लेंगे अभी, जैसे जब तक इसकी ये तड़का तेल छोड़ता तब तक अच्छे से फ्राई कर लेंगे। और संडे को जल्दी जल्दी करना पड़ता है सब कुछ, बहुत जल्दी जल्दी टाइम निकल जाता है, हस्बैंड भी घर होते हैं ना तो काम सा बढ़ जाता है,
तो ये देखिए मेरा तड़का लग गया है, और ये देखिए हमारी थाली रेडी हो गई है, ये हमारा लंच है। और मैंने मूंगफली की चटनी भी बनाई थी, इसकी रेसिपी मैं किसी और दिन शेयर करूँगी, बहुत टेस्टी बनी थी मूंगफली की चटनी, रायता था साथ में। और गाइस आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। बाय बाय।